उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की अमरोहा नगर को पालिका क्षेत्र में मोहल्ला कटकुई के चौराहे पर नगर पालिका की ओर से सड़क बनाई गई है। एक महीने के अंदर सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि इसमें घटिया सामग्री लगाकर सड़क तैयार की गई है, जिसका सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। सामाजिक संगठन जज्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने इसका विरोध करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से पहले SDM सदर ने इसका निरीक्षण किया था, फिर भी घटिया क्वालिटी की सड़क तैयार की है जो एक महीने के अंदर टूट चुकी है। ये हमने इसकी शिकायत पहले करी थी जब ये सड़क बनी नहीं थी। नगर पालिका की तरफ से लगभग 2 या 3 महीने पहले ही इस पर रोड़ा डाल दिया गया था, सड़क को तोड़ दिया गया था। जब हमने शिकायत करी तो सड़क बनी। SDM अमरोहा साहब इसका खुद निरीक्षण करने आए थे जब इसकी शिकायत हुई थी। ये सड़क लगभग 1 महीने पहले बनी थी, उसकी हालत आपने भी देखी कितनी जगह से टूट गई। आज जय साहब इसका निरीक्षण करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा ठेकेदार साहब इसमें घोल डाल दीजिए, सड़क सही कर दीजिए। मैं जय साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि सड़क 1 महीने के अंदर ही घोल डालने लगी, किस तरीके से सड़क बनवाई आपकी देख रेख में सड़क बनी है जय साहब? और आपको ये नहीं लगता 168 बोरी बता रहे हैं इसके अंदर लगी है इतने बड़े चौराहे के अंदर? ये जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, और ये जय साहब जो कह रहा है कि घोल से मैं सड़क सही करवा दूंगा, तो आज़ाद रोड पिछले 5 साल से टूटा हुआ है, इसमें पूरे शहर की अधिकारी नेतागण सब लोग जनता वहाँ से गुजरती है, तो एक घोल वहाँ पर ही पड़वा दीजिए आप और सड़क को सही करवा दीजिए। कटकुई चौराहे की चौराया मस्जिद के सामने और मज़ार के सामने बहुत बड़ा चौराहा ये होता है, इस चौराहे पर जहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब खुद निरीक्षण करने आए थे, उस चौराहे की ये हालत है जिसकी 1 महीने के अंदर ये सड़क टूट गई, तो और जवाब क्या हालत होगी? इसकी शिकायत हमने किससे की है? इसकी शिकायत अभी सड़क की शिकायत राहिल भाई ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर करी है। अब जय साहब उस पर देखना है कि कहाँ शिकायत हुई है, सड़क का निरीक्षण करना आए थे कि घोल पड़वा के मैं सही करा दूंगा इसे। जय साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने की सड़क पर घोल पड़वाने की ज़रूरत क्यों आई? इसका मतलब यह है कि सड़क मानक के अनुरूप नहीं बनी? सड़क के अंदर जो सीमेंट पड़ना चाहिए था, जो इसके मानक है, वो पूरी तरीके से अमल में नहीं है जब ये सड़क टूटी। ये बर्बादी जो हुई है पैसे की सरकारी, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं नगर पालिका चेयरमैन साहब से ये अपील करता हूँ कि उनके क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो जाके चेक करते हैं और ठेकेदारों से मिलके और सड़क ख़राब बनवाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन है? वो चेक कराएं कि इसमें जय साहब इंजीनियर साहब की क्या इसमें लापरवाही है और कहाँ उन्होंने इसमें क्या करा है।